हाय फ्रेंड, मैं कविता पांडे। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड, आज मैं लेकर आई हूँ एक और नई रेसिपी जो बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो चलिए शुरू करते हैं। रेसिपी के लिए मैंने कुछ मैंगो लिया है, कच्चे मैंगो हैं। इनको पहले छील लूँगी। छीलकर इसे कट करूंगी। तो आम का छिलका मैंने उतार लिया है, अब इसे कट कर लेती हूँ। छोटे छोटे पीसेस में कट करूंगी। सारे आम को मैंने इस तरह छोटे पीसेस में कट कर लिया है। अब मैं इसे मिक्सी जार में डाल दूंगी, इसे ग्राइंड कर लूंगी। तो देख सकते हैं मैंने आम को पीसकर बिल्कुल स्मूथ सा पेस्ट रेडी कर लिया है। तो मैं दिखा देती हूँ, देख सकते हैं बिल्कुल स्मूथ सा पेस्ट रेडी हुआ है। अब इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लूंगी। इस बाउल में मैं इसे ट्रांसफ़र कर लूंगी। अब आम के पेस्ट में ही मैं डाल दूंगी बेसन। 4 टेबल स्पून बेसन डाल दूंगी। साथ ही डाल दूंगी राइस फ्लोर। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप सिर्फ बेसन से भी बना सकते हो। टू टेबल स्पून मैंने राइस फ्लोर डाल दिया। 1 टीस्पून भर के ब्लैक पेपर है, इसे भी डाल दूंगी, यानी गोल मिर्च का पाउडर। 1 टीस्पून भर के जीरा पाउडर, इसे भी ऐड करूंगी। 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, इसे भी डाल दूंगी। टेस्ट के अकॉर्डिंग मैं नमक ऐड करूंगी। सभी को अच्छे से मिक्स कर दूंगी। हल्का सा हल्दी भी ऐड करूंगी, 1/2 टीस्पून मैं हल्दी डाल देती हूँ। और इसमें हींग का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो मैं थोड़ा सा हींग भी डाल दूंगी। सभी को अच्छे से मिक्स करूंगी। अगर मुझे ज़रूरत होगी तब इसमें पानी ऐड करूंगी, अदरवाइज पानी ऐड नहीं करूंगी, नहीं तो गीला हो जाएगा ये मिक्सचर। तो मैंने इसे मिक्स कर लिया है। तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा पानी ऐड करना पड़ेगा, तो बिल्कुल थोड़ा सा मैं पानी ऐड करूंगी। तो ये मिक्सी में मैंने आम पीसा था ना, उसी मिक्सी में थोड़ा सा पानी डालकर मैं ऐड कर रही हूँ। इसे मिक्स कर दूंगी अच्छे से। देख सकते हैं इस तरह का होना चाहिए, बैटर ज़्यादा गीला नहीं रखना है, इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह का होना चाहिए। तो बैटर मेरा रेडी है, चलती हूँ अगले प्रोसेस में। तो मेरे पास ये सेव बनाने वाला मशीन है, इस तरह का जाली है, ये मैं यूज़ करूँगी। इसे मैं डाल दूँगी इसमें और इसमें ऑयल लगा दूँगी।
और इस बैटर को इसमें डाल दूंगी। इस तरह से जितना इसमें आ जाए उतना डाल दूंगी। और इस तरह से बंद कर दूंगी। अब चलती हूँ अगले प्रोसेस में। गर्म हो गया है, मैं थोड़ा सा डालकर देख लेती हूँ गर्म हुआ है या नहीं। ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है। इसे निकाल कर साइड कर दूंगी। ऑयल मेरा गरम है, अब इस तरह से हिलाते हुए जितना आ जाए एक बार में थोड़ा देर बाद इसे टच करूंगी। गैस का फ्लेम अभी हाई रखूंगी, मीडियम टू हाई। बिलीव मी फ्रेंड, बहुत टेस्टी लगने वाला है ये। तो देख सकते हैं गोल्डन ब्राउन हो गया है, तो मैं निकाल देती हूँ इसे। देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है। इसे मैं प्लेट में निकाल दूंगी। दूसरा बैच भी मैं इसी तरह डाल दूंगी। से भी गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लूंगी। तो देख सकते हैं मेरा दूसरा बैच भी रेडी हो गया है। मैं गैस का फ्लेम बंद कर दूंगी और इसे भी निकाल दूंगी प्लेट में। ये नमकीन बहुत टेस्टी लगने वाले हैं। इसे भी मैं प्लेट में निकाल दूंगी। देखिए काफ़ी क्रिस्पी बना है ये, और ये नमकीन बहुत ही टेस्टी लगने वाला है क्योंकि मैंने इसमें कच्चा आम भी डाला है और तीखा फ्लेवर भी है और नमकीन भी है, तो इसलिए तीनों फ्लेवर का मिक्सचर है ये, तो बहुत ही टेस्टी लगने वाला है। तो मेरे स्टाइल में एक बार ज़रूर ट्राई करें। देख सकते हैं कितना क्रिस्पी बना है, मैं दिखा देती हूँ आपको। ये चाय के साथ बहुत टेस्टी लगने वाले हैं, तो घर आए मेहमान को भी आप चाय के साथ दे सकते हो। इसे आप 1-2 महीने के लिए स्टोर करके एयरटाइट कंटेनर में रख सकते हो, बिल्कुल भी इसी तरह का रहेगा, जैसा है वैसा ही रहेगा। फ्रेंड, आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है? अगर अच्छी लगती है तो लाइक करें, फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करें।
चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक बाय, टेक केयर।